Hey guys, welcome to my channel. और आज हम कुछ ऑसम तगड़ी तगड़ी झकास वाले पिक्चर्स लेने वाले हैं यूजिंग अ सिंपल मोबाइल फोन जो हर किसी के पास होता है. और ये वाले फोन से नहीं चलेंगे. और बेसिकली मैं इधर एक नॉर्मल रेडमी का नोट 8 प्रो यूज करने वाला हूँ. डब्बा देख लो भाई. तो पहले दोस्तों आपको अपने मोबाइल को रखना होता है स्टिल पूरा कॉन्स्टेंट बिना कुछ हिलाए, तो फिर अच्छा रहेगा अगर आप एक ट्राइपॉड यूज कर ले. अगर आपके पास नहीं है तो किताबों से या फिर कोई सामान से ऐसे स्टिल टिकाने के लिए एक जगह ढूंढ लीजिए. तो गाइस सबसे पहले आपको अपना कैमरा ऑन करना होता है. और कैमरा ऑन करने के बाद हर फोन में एक मैनुअल या प्रो मोड होता है जो आप ऐसे साइड साइड करके जा सकते हैं. और प्रो मोड में पहुंचने के बाद आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जैसे ISO, फोकस, शटर स्पीड वगैरह वगैरह. और उसमें से आपको जो ISO है वो मिनिमम पे सेट करना है. मेरे यहाँ पर 100 सेट है. ज़्यादातर टाइम में ऑटो ऑटोमेटिकली होता है तो 100 पे सेट करें. ये जो ISO क्या होता है कि एक आर्टिफिशियल लाइट होता है जो आपका फ़ोन जनरेट करता है. उसके बाद ISO को मिनिमम रखने के बाद आपको फोकस पे जाना है जो हमेशा ऑटो ही रहने दे वो ठीक है. अगर आप चाहें तो एडजस्ट भी कर सकते हैं. और ये है शटर स्पीड. शटर स्पीड को आप जितना मैक्सिमम हो सके उतना रखें. मेरे फ़ोन में तो फिलहाल 32 सेकंड्स है. मतलब 32 सेकंड्स तक आपका कैमरा ऑन रहेगा. उसी बीच आपको ज़्यादा हिलाना नहीं है कैमरा को, इसीलिए हम ट्राइपॉड यूज़ कर रहे हैं या फिर बुक्स में या फिर कोई भी चीज़ों से उसको कॉन्स्टेंट एक स्टिल रख रहे हैं. तो फिर उतना ही सेटिंग्स है दोस्तों. उसके बाद दोस्तों कैमरा का बटन ऑन करके कोई भी ऐसा लाइट का सोर्स लेना और ऐसे ऐसे कुछ पैटर्न्स बनाना जब तक कि वो कैमरा का शटर ऑन है 32 सेकंड से जितना भी है ऐसे पैटर्न्स बनाते रहना. और जब शटर बंद हो जाए बाद आपका फोटो तैयार है. भाई फोटो तो देखो कितना मस्त फोटो आएगा. ऐसे फोटोस आने वाले हैं जैसे ये भाई फोटो तो तगड़ी तगड़ी आ गई. Thanks for watching. Like, share and subscribe.